गांव के बाग में देसी जुगाड़ से बने जिम में मुनफरिद डंबल्स के साथ पसीना बहा रहे नौजवान लड़के व लड़कियों को देखकर सभी को हैरत होती है। इस जिम में इस्तेमाल होने वाले सारे इक्विपमेंट देसी जुगाड़ वाले हैं, यानी देसी जुगाड़ से तैयार जिम। देसी जुगाड़ से तैयार जिम रियासत मध्य प्रदेश के जिला सतना के तहसील उछेरा के गोबराई खुर्द गांव के नौजवानों ने सब्ज दरख्तों के दरमियान तैयार किया है। गांव के नौजवान अब खुद कफील हो गए हैं, क्योंकि अब उन्हें जिम के लिए न कहीं जाना होता है और न ही जिम के साजो सामान के लिए किसी बाजार से कुछ खरीदना पड़ता है। काफी सारे युवा जो है वो बाहर पढ़ रहे थे, जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो सब यहाँ पर आए वापस। अब उन युवाओं में से कई सारे लोग जाते थे जिम, अब यहाँ पर आए तो जिम की इक्विपमेंट थे नहीं, सारी जिमें बंद थी, ताला बंद था। यहाँ में सतना जाना पड़ता था या उचेरा, वो भी जिमें लगभग बंद थी। फिर धीरे धीरे शुरू हुआ हमारा जिम का बनना, तैयार शुरू होना। शुरुआत में कुछ मशीनें थी, थोड़ी बहुत चेस्ट की थी, बैक की थी और डंबल्स वगैरह थे। फिर जैसे जैसे लोग और लोग आए और जुड़े। वबा के दौरान फैलने वाले इन्फेक्शन की वजह से हेल्थ क्लब और जिम कई महीनों से बंद थे। ऐसी सूरत हाल में सतना के नौजवानों ने तंदुरुस्त रहने के लिए जुगाड़ तलाश लिया है, जहां करीबी देहात से बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन, नौजवान लड़के व लड़कियां पहुंचते हैं। महिलाओं का हमने शाम को अलग स्लॉट बना दिया है, लगभग 5 से 6 बजे तक वो करती है महिला, सिर्फ महिलाएं इसमें आती हैं, लड़कियां। और सुबह पूरा युवाओं का, वृद्धों का, सब लोग आते हैं। कोरोना काल में क्या हुआ था कि जैसे हम लोग शहर में नहीं जा पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे, तो यहाँ भाई लोगों ने मिलकर एक बगीचा है वहाँ स्टार्ट किया है, जिम में अपनी बॉडी बनाते हैं हम लोग। मतलब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो शहर में जाके अभी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कुछ लोगों को पैसों की भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, नहीं कर पाते। यहाँ अपनी बॉडी बनाते हैं, सेहत के लिए भी ध्यान रखते हैं। इस जिम में मध्य प्रदेश पुलिस और आर्मी में नौकरी के ख्वाहिशमंद नौजवान लड़के और लड़कियां भी पहुंचकर मशक करते हैं। ये जिम बिल्कुल मुफ्त है। कोरोना के दौर में इस जिम का ये भी फायदा हुआ कि लोग अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं और सेहतमंद हो रहे हैं। तालिबिल्म किरण वीर सिंह का कहना है कि वह सरकारी मुलाजमत की तैयारी कर रहे हैं और फिजिकल की तैयारी करने के लिए उसे हर दिन वर्जिश करनी पड़ती है, लेकिन लॉकडाउन में जिम बंद होने से उसे तैयारी करने में मुश्किल हो रही थी। इसके बाद दोस्तों के साथ मिलकर देसी जिम तैयार किया गया। इससे गांव के बुजुर्गों को भी काफी फायदा हो रहा है। साथ आर्मी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, सभी को सुबह सुबह दौड़ने जाते हैं और वहीं पे अपना पहले थोड़ा बहुत वो करते थे, एक्सरसाइज करते थे। धीरे धीरे जिमें सारी बंद हो गई, हेल्थ भी हम लोग की कमजोर होने लगी, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपने ही गांव पे एक देसी जिम बनाई जाए, तो हम लोगों ने देसी जिम तैयार की। कोरोना दौर में लोग बेरोजगार हो गए, ऐसी सूरत हाल में देसी वसाइल यानी बांस, बल्ली, लकड़ी, ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहा, टायर, ट्यूब, बोरी, बैग, रेत, मिट्टी से वर्जिश करने के तमाम आलात तैयार किए गए और लोगों को मुफ्त में जिम की सहूलियात फराहम कराई गई। इसकी शुरुआत एक खाली बाग में 3-4 लड़कों ने मिलकर की। जब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इस जिम के बारे में मालूम हुआ तो गांव के सभी बाशिंदे साथ जुड़ गए और मेहनत करने लगे। जैसा कि लॉकडाउन लग गया था कोरोना वायरस के चलते हुए, तो हमने सब लोग जो हम शहर में भी रहते थे, बहुत लोग हमारे दोस्त लोग भी शहर में रहते थे, तो सभी लोग को गाँव पर आना पड़ा वापस। सभी लोग जब गाँव पर रहते थे तो वहाँ शहर में हम लोग जिम जाया करते थे। हमने सोचा क्यों ना हम गांव पर भी वर्कआउट करने के लिए कुछ तैयार करें। स्टार्टिंग में हम रनिंग करने के लिए जाते थे, वहीं पुशअप वगैरह करते थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम देसी जिम तैयार करें। तो हमारा ये जो सागौन का बगीचा है ये हमारा खाली पड़ा था, तो स्टार्टिंग में हमने 5-6 लोग मिलकर स्टार्टिंग कर दी इसकी, जो कि 8-10 दिन में, जो जबकि आधा जिम हमारा तैयार हो चुका था। जब लोगों को पता चला, सभी ने हमसे पूछा क्या कर रहे हो, हमने बताया जिम तैयार कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारे ग्रुप में लोग बढ़ते गए, इस तरह से हमने ये जिम की शुरुआत की। तो हमने ये बांस, बल्ली की सहायता से, पत्थरों की सहायता से हमने ये देसी जिम तैयार की है, जिसमें कि किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता, ये फ्री जिम है। इसमें करीब 10 से 15 दिन लगे हैं, तो काफ़ी सारे हमारे फायदे हो जाते हैं इससे। इम्यूनिटी, जैसे कि कोरोना वायरस के चलते हुए इम्यूनिटी पावर, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है, तो हमने सोचा क्यों ना कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जिम खोलें। इस देसी जिम को तैयार करने में तकरीबन 15 दिनों का वक्त लगा। अब यहाँ हर दिन 50 से ज्यादा अफराद वर्जिश करने पहुँचते हैं।
गांव में जिम बन जाने से लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। गांव में तैयार ये देसी जिम खुद कफील मुहिम की भी एक मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।